Audio Jungle. देश में हर 5 साल में सरकार आती है और अपना काम करके चली जाती है। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी विकास के वादे तो करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उनके जनता से किए वादे भी खत्म हो जाते हैं। हर बार देखा गया है कि हर पार्टियां रोजगार, कर्ज माफी जैसे मुद्दों को उठाती है, लेकिन कभी भी देश में बढ़ रही भिखारियों की बढ़ती संख्या पर ध्यान नहीं देती है। आज हम आपको बताएंगे कि भिखारियों की बढ़ती संख्या के बारे में, जिसमें कहा और कितनी संख्या में भिखारी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक 42,000 भिखारी हैं। वहीं अगर जिले में देखा जाए तो सीधी जिले में भी सबसे ज्यादा भिखारी बसते हैं। महानगरों में इंदौर सबसे टॉप पर है, वहीं ग्वालियर और श्योपुर में सबसे कम है, जहां श्योपुर में 324 भिखारी हैं। यह खुलासा एससी भट्ट और गोपाल भार्गव की लिखी लैंड एंड पीपल ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नाम की ग्रंथमाला यानी मध्य प्रदेश संस्करण में हुआ। साथ ही आपको बता दें कि यह आंकड़े 2001 की जनगणना पर आधारित है। इंदौर में 1980 भिखारी हैं, इसमें 1350 शहरी मांगते हैं। जबलपुर में 1883 में से 1275 और भोपाल में 1058 में से 934 शहरी मांगते हैं। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में भिखारियों की आबादी 1000 से अधिक है। सर्वाधिक 2583 भिखारी सीधी में है। इसके बाद रीवा में 2112, सतना में 1828, शहडोल में 1631, उज्जैन में 1618, पूर्वी निमाड़ में 1442, पश्चिमी निमाड़ में 1364, धार में 1198, सागर में 1137 और गुना में 1021 भिखारी हैं। इस मामले को लेकर जब इंदौर की KNN टीम ने संबंधित विभाग से बात की तब कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। मेरे घर में मैं ही हूँ भाई, और कोई नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है? आदमी है, आदमी है, जाते है। काम पे, काम पे जाते तो यहाँ क्यों बैठते हो? तुम भीख मांग के कमाओगे पैसे? अरे भाई, वो उनको उनको नहीं मिलती, वो दूसरी वाली की नौकरी करते हैं। कोई सी भी दूसरी वाली की नौकरी करते तो पीडब्ल्यू में करते हैं। हाँ, उसको लगाती तो तुमको तुम लोगों को कोई लेने नहीं आता है? मार दिया भाई, तो वो जाते हैं ड्यूटी, ड्यूटी से नहीं करते। मैं देखती हूँ, दो दो औरत है, मैं अलग रहती हूँ भाई किराए। आदमी की दो दो औरत है, शांत हो गए। तुम लोग कोई लेना नहीं आता तुमको भी? घर में कोई भी नहीं है? ये सोचा तो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? सब है तो, सब है तो क्यों नहीं जाते? रखते नहीं है तुमको तो? तुम भिक्षु विभाग में गए? कहीं पे गए नहीं? कोई लेने भी नहीं आता? तो और पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते? घर पुलिस वाले बोलते हैं, लेकिन घर वाले नहीं जाने देते। घर वाले नहीं, सब इसका भी था। अच्छा, घर वाले नहीं रखते? अरे घर जिसकी है हमारे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अरे ये बाइक तुम्हारे यहाँ कोई नहीं बोलता है? क्यों? सबके रामायण। हाँ लू ना, मैं अब आई हूँ तो ले ही लू। क्यों आंटी, तुम्हारे यहाँ कौन कौन? मेरे यहाँ मेरे आदमी है, मैं हूँ। आदमी और आप? आदमी क्या करता है? खेती करता है गांव में। गांव में तो तुम्हारे पास तो भैया किसान आदमी बहुत पैसे। मैं तो मैं रहती हूँ, मकान है। मकान है फिर भी भीख मांग रहे हो? अब अभी अभी पैसे नहीं मिले ना गांव में, तो गांव में पैसे नहीं मिले तो भीख मांगोगे आंटी? तो किसानों के पास बहुत पैसे होते हैं। अब साग भाजी तो खाएं बना के, तो साग भाजी बनाने के लिए आप पैसे आटा माटा रख दो आदमी। अब साग भाजी तो पुलिस वाले कोई कुछ बोलते नहीं है? कोई नहीं बोलते पुलिस वाले कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्या कोई पूछने भी नहीं आता? अब बोलते भी है तो कहते हैं साहब कहाँ जाए, कहाँ जाए बोलते, तो वो लोग कहीं भेजते भी नहीं है? पुलिस वाले नहीं बोलते कि वहाँ चले जाओ, तो वहाँ पे वो विभाग है तो वहाँ चले जाओ, तुम्हारी सेवा हो जाएगी, ये हो जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलता? अरे भाई मैं तो कभी सभी आती होंगी, आज आने 6 दिन में तो आते तो हो ना? आती हूँ कभी, आ जाती कभी आती नहीं, मैं तो 6-6 दिन तक आज आई हूँ मैं 3 रोज में। और मेरी छोरी छोड़ने गई थी, यहाँ से कोई भगाता नहीं है? ये पंडित मेरी छोरी रहते गोरी नगर, सुनो आश्रम है मेरा, है ना आश्रम है मेरा तो। हाँ तुमको जाना है क्या?
पक्का पक्का हाँ ठीक है। मेरी छोरी गई थी छोड़ने गोरी नंगा रेत में, मेरी लड़की वो दिन से मेरे पास थी तो मेरी लड़की को छोड़ने गई थी तो बैठ गई। अच्छा ये कार तुमको आश्रम में जाना है? भेल में भिक्षुक प्रवेश केंद्र इंदौर शहर में संचालित है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश की एकलौती संस्था है। प्रारंभ में इस अधिनियम के तहत इंदौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करना अपराध है। इसके तहत उनको पकड़ करके हम सब कोर्ट 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करते हैं। वहाँ पे उनका ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद बॉन्ड पे उनको अगर घर वाले कोई आ जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, और अगर सिद्ध हो जाता है कि ये भीख मांग रहे थे तो उनको 6 महीने से लेकर 2 साल तक का सज़ा का प्रावधान है, और संस्था में रख के उन्हें सुधारा जाता है जिससे कि आगे जा कर के वो इस तरह की कार्रवाई ना करें। इंदौर से काजल वर्मा की रिपोर्ट।